हे गाइस, मेरा नाम चंदन शुभक्षी और आज मैं बताने वाला हूँ आपको गूगल कैमरा को कैसे इंस्टॉल किया जाए बिना रूट के। मैं आपको एक चीज़ पहले बता देना चाहता हूँ, ये वो वाला कैमरा नहीं है जो हम मैंने बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था मिनी गूगल कैमरा, मैंने रखा था उसका नाम। ये वो नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टॉक वाला गूगल कैमरा है। उसमें आपको पोर्ट्रेट फीचर मिलेगा, ब्यूटी फीचर्स मिलेंगे और बहुत से फीचर्स हैं जो मैंने अभी टेस्ट नहीं किए, लेकिन पोर्ट्रेट और ब्यूटी में मैंने इसको टेस्ट किए हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि ये बहुत आसान है और बहुत सिर्फ आपको ये है कि भाई आपको डेस्कटॉप सामने दिख रहे हैं, आप डेस्कटॉप लैपटॉप आपको चाहिए ही रहेगा इसके लिए, क्योंकि हमको फास्ट बूट और जो है इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यूएसबी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आप देख लीजिए भैया, ये मैंने अभी कनेक्ट नहीं किया हो तो मैं सामने आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ उसको। ये मैंने इसको कनेक्ट किया, उसके बाद फिर चला गया। हाँ, उसके बाद ये ऐसा पूछेगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग, तो आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इसको नीचे करिए और मैं तो कैमरा सही कर दूँ जल्दी से, और फिर एंड्रॉयड सिस्टम में जाके उसके बाद इसको दबाइए, फिर ट्रांसफर फाइल्स को ऑप्शंस चूज़ कीजिए। ये हो गया, अब से देखिएगा सामने ये आ गया लिख के यहाँ पे कि ऐसे इसका अपना कनेक्ट हो गया है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं ना, ये फिर से ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप ओके कर दीजिए। उसके बाद मैं साइड में रख देता हूँ, अपना कैमरा सही कर देता हूँ और ये हो गया। अब देखिए, ये है प्लेटफॉर्म टूल्स, मैंने नीचे लिंक दे के रखी हुई है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ये मेरे पिछले वीडियो का है, आप उसको भी देख सकते हैं। फास्ट बूट हमको चाहिए है और एक फिर एडीबी चाहिए। अब मैं यहीं पर सीएमडी खोल लेता हूँ, तो सीएमडी मैं यहाँ से खोलता हूँ मैं, तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ पे इस तरफ। अब हमको करना क्या है, पहले मेरे को आपको ये देखना है कि भैया आपके जो एडीबी डिवाइसेस है वो इंस्टॉल है कि नहीं। दूसरी चीज़, मैं एक लिंक और दे के रखा हूँ कई लोगों के, मैं जैसे मैं बता देता हूँ एडीबी, यहाँ पे मैंने जैसे टाइप किया एडीबी डिवाइसेस के अंदर एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे ना ये जो देख रहे हैं ना आप लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, के नीचे कोई आता नहीं है, बहुत लोगों के में नहीं आता। एक बार मैं बता देता हूँ कि एडीबी आपको एक ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसकी लिंक मैंने नीचे दे के रखी हुई है, तब उसके बाद फिर ये आएगा। और ये आने के बाद फिर आपको मोबाइल में पूछेगा कि आपको इसको अलाउ करना है कि नहीं करना है, तो आप उसको अलाउ कीजिएगा और फिर से एडीबी डिवाइसेस को टाइप कीजिएगा, तो फिर इससे लिस्ट ऑफ डिवाइसेस में अटैच आ जाएगा। अब हमको करना क्या है, ये तो हमारा भैया डिवाइस अटैच हो गया है मोबाइल से। अब हमको करना ये है कि हमको ये देखना है कि अब हमारा जो फास्ट बूट है, क्योंकि जो गूगल कैमरा है हमको वो कोड लिखना पड़ेगा और वो फास्ट बूट के जरिए ही हो पाएगा, तो हमको फास्ट बूट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फास्ट बूट डिवाइसेस, बस इतना लिखना पड़ेगा। और अब आप देखिएगा इसको क्या होता है। पहले मैं बता देता हूँ कि अभी क्या करना है आपको। हाँ, पहले तो फास्ट बूट डिवाइसेस ही है, सॉरी या डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, फिर से मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए, इसको मैं एंटर दबाता हूँ, ये अब भी ये आ गया, इसका मतलब है कि फास्ट बूट सपोर्ट कर रहा है इस डिवाइसेस को, इसलिए कोई एरर नहीं आया। अगर एरर होता तो तुरंत बता देता। अब हमको यहाँ पे लिखना, अब हमको देखिएगा ये जो है ना, अब ये रिबूट आएगा, ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, मेरा तार हिल रहा है शायद, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसको अभी ना ऐसे रख देता हूँ। तो अब इसको लिखना क्या है, हमको लिखना है ADB रिबूट। और फिर एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे ये हुआ कि भाई ये अब अपना रिस्टार्ट हो गया और ये ऐसे आ जाएगा फास्ट बूट मोड। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कुछ कुछ मत कीजिएगा, यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं इसको मोबाइल को रख देता हूँ। जैसे ही आप वहाँ पे टाइप करेंगे अपना मोबाइल जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा हम फास्ट बूट में। अब हमको लिखना क्या है यहाँ पे, अब हमको लिखना है एक कोड, मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, सिर्फ ये है, इसका मैंने नीचे भी लिख के रखा है, तो आप वहां पे जाके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फास्ट बूट OEM इनेबल, उसके बाद ये स्लैश कैमरा, फिर HAL3 एंड देन स्पेस देने के बाद ट्रू। अब ये हो गया, तो इसको आप एंटर मार दीजिए, ये देखिए ओके हो गया यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया है इसलिए वो दिखा रहा है कि जीरो टाइम ऐसे नहीं, तो वो 1 सेकंड कुछ मिली सेकंड कुछ दिखाता है। ये अपना अब गूगल कैम इसमें इंस्टॉल हो गया है। तो अब अपने को करना क्या है, अपने को अब रिबूट करना है डिवाइस। तो रिबूट कैसे करेंगे, रिबूट करने के लिए हमको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फास्ट बूट डिवाइसेस में, फिर जाके
फास्ट बूट से चल रहा है अपना, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देंगे फास्ट बूट रिबूट। ओप्स, ये देखिए अब ये हमारा मोबाइल अब रिस्टार्ट हो रहा है। देखिए जैसे ही मैंने वहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे रिस्टार्ट होने लगा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने कैमरे को स्विच कर देता हूँ ताकि पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपना कैम इसमें आए। तो मैं अभी पॉज कर रहा हूँ वीडियो, उसके बाद मैं आता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो जैसे मैंने पहले उसमें बताया वीडियो में कि किस तरह से आपको करना है इसको इंस्टॉल, और जब ये हमारा इंस्टॉल हो जाए ना, अब देखिए पूरा हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब चिंता मत कीजिएगा, कोई कुछ भी रूट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बूट लोडर को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, और ये पीछे सीटी बजती रहती है। और दूसरा ये कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई डेटा इरेज नहीं होगा। आप देख सकते हैं मेरा कोई भी डेटा नहीं गया, सब वैसे का वैसा ही है। अब आपको चेक करना है कि भाई हमारा चल रहा है, तो ये मैनुअल कैमरा करके ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और फिर इसको स्टार्ट कर दीजिए। और अब देखिएगा, ये देखिए पूरा आ गया है अपना, पूरा सपोर्ट करने लगा, क्योंकि हमारा कैमरा API2 इनेबल्ड हो गया है, इसलिए अब ये सपोर्ट करने लगा है। तो जब हम कैमरा API2 नहीं डालते ना, तो ये ऑप्शन नहीं आता है, मतलब ये क्रॉस क्रॉस बन के आएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है। नीचे मैंने एक लिंक देके रखी है, वहाँ पे आप उस लिंक को करके APK को फाइल को करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बहुत सरल है, उसमें भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इंस्टॉल करिए खत्म। ये है वो कैमरा, ये देखिए ये वाला है, ये है गूगल कैमरा। इसको मैं दबाऊँगा ना, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, एक मिनट। इसको मैं अगर दबाऊंगा, अगर ऐसे रखूं तो ना, ठीक है इसको मैं दबाऊंगा। अब ये देखिएगा मिनी गूगल कैमरा और जो मेन गूगल कैमरा, उसमें कितना फ़र्क है। ये मिनी गूगल कैमरे में ये ऑप्शन नहीं थे। और अब आती है पोर्ट्रेट की बारी, ये देखिए पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट बोर्ड बहुत मस्त चल रहा है बॉस। ये देखिए मैं अभी तो खैर इतना वो नहीं है, अगर मैं इसी की फ़ोटो लेता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे कर लूँ, और ये शायद जूम का ऑप्शन है क्या, हाँ ये इसमें आपकी ब्राइटनेस और ये सब चेंज हो जाएगी। और मैं इसको क्लिक करके ऐसे बताता हूँ, ये देखिए और उसको यहाँ पे ये आप उसको टेस्ट करिए अपने तरह, अपने हिसाब से इसको टेस्ट कीजिए कैसे करेंगे आप। बाकी और मैं चीज़ दिखा देता हूँ, सेटिंग्स में जाके क्या क्या अपने को सेटिंग्स मिलेंगी। ऑटो एक्सपोजर का है, आप ये सब कर सकते हैं, पैनोरामा रिजोल्यूशन है, लेंस ब्लर रिजोल्यूशन है, वीडियो स्लैप स्टेबलाइजेशन भी है, EIS भी दिया गया है इसमें, सेव लोकेशन कहाँ करना है, और बाकी कुछ उसमें गेस्चर भी दिए हुए हैं, HDR मोड, सेल्फी कैम। हम देखिए है गाइस, सेल्फी कैम ये है, और सेल्फी कैम में आप जाके ब्यूटी मोड फेस टचिंग ऑन कर सकते हैं, फेस रीसेटिंग और टचिंग ऑफ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हुए हैं। और मैं जाके इसमें HDR प्लस में आप HDR इन्हेंस कर सकते हैं, और अच्छी और बढ़िया फ़ोटो मिलेंगी, इसको ऑन कर सकते हैं, और इस तरह से आप बहुत कुछ इसके साथ चेंज कर सकते हैं, और बहुत कुछ आप सेटिंग्स कर सकते हैं। वीडियोज़ भी बहुत बढ़िया है इसका, वीडियोज़ में भी आप देख सकते हैं, इसमें 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में करता है। मैं देख लेता हूँ ऐसे छोटा सा बना के, और ये क्या आ गया, और आप देख सकते हैं, और मैं इसके बाद इतना ही बना देता हूँ छोटा सा, और ये ऐसा बन के आ गया है। और मेरे ख्याल से इसको कहाँ से देखूँ, मैं इन्फो में जाके, और 1080/1920 और आया तो ठीक है, बहुत बढ़िया आया है। अब बाकी इसको मैं टेस्ट कर लूँगा। इस तरह से ये है भाई अपना गूगल कैम, इसमें बहुत बढ़िया चल रहा है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, अभी तक तो कोई क्रैशिंग इशू ऐसे नहीं आया, मेरे को ऐसे नहीं दिखा है आपके सामने ही मैंने देखा है इसको, तो आप उस तरह से उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑप्शन आपको पूछना है गूगल कैम के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करें वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं हूँ चंद्रकिशोर बख्शी, एक्सप्लोर गिज़्मो की तरफ से आपको बाय बोलता हूँ, बाय बाय।